कैसा लगा मेरा आइडिया? बताओ ना जल्दी। क्या बात है जियान, आइडिया तो बहुत अच्छा है, अब हमारा काम हो जाएगा। क्या तुमने वो सुना? हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है नोबिता, और सिर्फ इतना ही नहीं, इन दोनों ने मेरा मजाक भी उड़ाया था, इसलिए मैं इन्हें अब सबक सिखाने वाला हूँ। देखा, ये एकदम फिट है। हाँ जियान, बहुत अच्छे। लाओ अब हेड भी लगा लेता हूँ। लेकिन चिंता मत करो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, जीत हमारी ही होगी। सुनियो, ठीक है, जरा देखो तो कैसा लगता हूँ। अरे ये क्या है? सुनियो, अब सही यही रहेगा कि तुम जल्दी से हमसे माफ़ी मांग लो। हमें माफ कर दो, ये बहुत भारी है, इसे हटाओ। हमसे गलती हो गई, माफ कर दो डोरेमोन। इससे इन दोनों को सबक जरूर मिल गया होगा, है ना? और पता है, मैं एंड में हंस भी रहा हूँ। सुनो नोबिता, वो दरअसल बात ऐसी है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम डोरेमोन से मेरे लिए। ये क्या हो रहा है नोबिता? कुछ भी तो नहीं हो रहा। नोबिता बोलो। नोबिता बोलो भीना। नोबिता मुझे माफ करना, मैं सोते हुए तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग अभी क्लासरूम में हैं, समझे तुम? छुट्टी होने के बाद मेरे ऑफिस में आना, समझे? हाँ? अरे डोरेमोन तुम। अरे नोबिता कहाँ पर है? नोबिता तो नोबिता। हाँ, अरे डोरेमोन, क्या बात है, तुम क्लास में फिर से सो गए क्या? हाँ, नींद का दुश्मन समाना, सोने ही कहाँ देता है डोरेमोन। ये तो बुरा हुआ। और सुनो, तुम्हें याद है ना, मॉम ने आज तुम्हें सीधा घर आने के लिए बोला था। उन्होंने बोला था कि उन्हें मुझसे कोई काम है, अब मैं क्या करूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? अरे हाँ, एक गैजेट है। कौन सा? कॉमेडी रॉक। अगर कोई तुम्हें सजा दे रहा हो तो इस कॉमेडी रॉक को अपने और उस इंसान के बीच में रख देना, इससे सारी बात मजाकिया हो जाएगी और बस फिर हैप्पी एंडिंग। हाँ, मैं सर के पास जा रहा हूँ। अरे सुनो, इसे तभी इस्तेमाल करना जब तुम सिर्फ एक इंसान से बात कर रहे हो, अगर एक से ज्यादा इंसान के साथ इसे इस्तेमाल करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं समझ गया मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूँ ये ठीक रहेगा। ये बताओ, तुम स्कूल क्या करने के लिए आते हो? सोने के लिए? तुम क्लास में सोते हो, इससे पता चलता है कि तुम पढ़ाई के प्रति कितने लापरवाह हो। जी सर। देखो, सबसे जरूरी होती है एलिमेंट्री एजुकेशन, सुना तुमने या नहीं सुना? हाँ। उससे सर का भाषण तो अब चालू हो गया है, ये अब चुप नहीं होने वाले, इस्तेमाल कर ही लेता हूं। करता है अब। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें क्लास में सोना नहीं चाहिए, ये बात मुझे तुम्हें कितनी बार बतानी पड़ेगी? बोलो सर, तो मुझे अभी भी डांट रहे हैं। जा रहे हो सर? सोने के लिए घर ही जा रहा था बस। अरे लेकिन ये गैजेट असर कर भी रहा है नहीं? ये तुम क्या बोल रहे हो? कुछ भी नहीं सर, मुझे आपके पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद है सर। मजाक मत करो। अरे सर, आपसे क्या मजाक करना, वैसे सर मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन आप मेहनत का फल नहीं देते। तुम्हारा मतलब ये है कि मेहनत का फल नहीं मिलता क्या है? हाँ, तो ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? आज के बाद मैं क्लास में कभी भी नहीं सोऊंगा सर। और अगर मुझे नींद आई भी तो मैं आपके घर जाकर सो जाऊंगा। तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है? आप लोगों ने इसकी बात सुनी? मुझे रोज इसको समझाना पड़ता है। अरे नोबिता, होमवर्क कर लिया? जो तुमने बोला ये मेरी लाइन थी। शुक्रिया, फिर मिलेंगे। सर, मुझे आशीर्वाद दीजिए घर जाकर सोने के लिए। हाँ जरूर। बाय सर। तुम कर क्या रहे थे? ये तो बड़ा ही अजीब गैजेट है, लेकिन काम बहुत बढ़िया करता है। मैं सोच रहा हूँ मॉम क्या कर रही होंगी।
अरे वाह, तुम घर आ गए। हाँ, अपने कमरे में मत जाना, यहाँ आओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। इनका नाम है मिस क्याने और आज से ये तुम्हारी घर पर भी पढ़ाई करवाएंगी। क्यों, ठीक है ना नोबिता? हेलो, मेरा पूरा नाम क्याने मात्सु है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यहाँ भी टीचर। तुम्हें पता है नोबिता, अगर तुम दिल लगा के पढ़ोगे तो और अच्छे नंबर लाओगे। जी, ये मेरे साथ नहीं हो सकता, एक ही टीचर काफी थे। क्या बात है? मुझे पता है कि तुम ये सोच रहे हो कि किसको एक ट्यूटर की जरूरत है। अरे ऐसा कुछ नहीं है मैडम, आप जैसी खूबसूरत टीचर मैंने आज तक नहीं देखी। तुम तारीफ अच्छी करते हो। तारीफ तो अच्छी ही होती है, क्या आपको पता नहीं बच्चों में आप बहुत मशहूर हैं। हर बच्चा आपसे ही पढ़ना चाहता है। हाँ, सच में, ऊपर आसमान में वैज्ञानिक बनकर।